दिल्ली में कहीं पे भी निकलो जाम ऐसा मिल जाता है ना, अब मैं घर से थोड़ा सा आगे निकला हूँ। पर्ल है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन विटामिन बी है, B3 है, फॉस्फेट ग्लोइंग स्किन। और यहाँ से माचिस जलाई, मैगी के अंदर डाल एंड पानी के अंदर डाल के शुरू। जिम से एक्सरसाइज करके, और तुमने वो क्लिप देखी होगी, मैंने एक वक्त से जिम की भी छोटी मोटी क्लिप बना के ना मोबाइल से बना के डाल दिया करूँगा। मैंने ना कल कपड़े धोए थे अपने, अब तो सूख गए, लेकिन ना कल लगभग शाम को ना मैं जब सो गया था एक बार बीच में दोपहर के टाइम, चार मतलब 3-4 बजे करीब बारिश आ गई थी। अब मैं सो गया तो मेरे को पता ही नहीं चला, तो बारिश में दोबारा भीग गए, तो कल ही सूख गए होते शायद, मैं कल रात को प्रेस भी कर लेता। अब जो मेरे रूम है ना, तो मेरा जो रूम है मेरे को उस रूम की भी अभी पूरी सेटिंग करनी है, सेटिंग इन द सेंस कि मेरे को साफ सफाई करनी है उस रूम की भी बहुत अच्छे से, मतलब अलमारी को सेट करना है। कुछ कुछ जो कपड़े हैं जो मैं अभी शायद अब मेरे वो टाइट हो गए जो भी हो गया मैं पहनूंगा नहीं, उनको साइड में रख दूंगा। अब जो उनको पहना है एक बार प्रॉपर सीक्वेंस से रख दूंगा, इस शर्ट के साथ इस पैंट, इस शर्ट के साथ वो वाली पैंट, तो पूरा प्रॉपर ऐसे रख दूंगा मैं। हो थक गया, अब हम चले जल्दी से नहाने, और नहा के अपन आ जाएंगे कॉलेज। मैं ऐसा करता हूँ अभी जल्दी से नहाता हूँ, आज भी कोल्ड कॉफ़ी ले जाऊँगा बना के, वो थोड़ा जल्दी बन जाएगी। बाकी हमारे जल्दी से सब्सक्राइबर कर दो, पूरे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा, करवा दो यार सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, लाल रंग के बटन को दबा दो। आई नो अभी बहुत कम है हमारे सब्सक्राइबर, लेकिन आप अगर करोगे तभी तो आप हमारे टॉप फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स के अंदर आ पाओगे, तो सब्सक्राइब कर दो, उसके पैसे नहीं लगते, और लाइक ज़रूर करना क्योंकि ऐसे तगड़े तगड़े ब्लॉग हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा भाई अभी देखो क्या रीज़न हो गया है कि देखो वैसे पेट्रोल में हमें 2 डॉट हो रहे हैं, 2 डॉट में मैं अपने कॉलेज तक वैसे पहुंच सकता हूं, बट ये एक थोड़ा सा एक रिस्की वाली बात हो जाएगी, रिस्क लेने वाली बात, बट वैसे 2 डॉट पूरा है, वैसे पहुंच भी जाऊंगा वैसे तो। मैं अभी क्या करना चाहिए मेरे को तुम्हारे हिसाब से, कि अभी जो पेट्रोल पंप आएगा वहीं भरवा लूँ, एक जस्ट सामने पेट्रोल पंप आएगा, या तो एक आएगा ऑप्शन मेरे पास कि मैं वहाँ जाके भरवाऊँ, कि वहाँ पे हमारे कॉलेज के सामने भी एक पेट्रोल पंप है, तो मैं ये सोच रहा हूँ अभी इस कन्फ्यूजन में थोड़ा सा व्यस्त हूँ। अच्छा वैसे ना मैं एक सोच रहा हूँ आपसे ना, एक मतलब मैं बाकी ना सारे इक्विपमेंट लेके चलता हूँ अपने फॉर द ग्रूमिंग पार्ट, जैसे अगर अब तो टॉवल भी होता है अपने पास, तो फेस वॉश मैंने कल ले लिया, जनरली मैं वहाँ पे जाके ना सिर्फ पानी से मुँह धो लेता था फिर टॉवल से साफ़ कर लेता था, बट अब मेरे को ऐसा लगा कि फेस वॉश लेना चाहिए यार, क्योंकि सुबह सुबह जैसे अभी मैं पहुँचूंगा ना कॉलेज तब तो फिर भी ठीक है ऐसा, कि खाली अगर मुँह धोना है तो, लेकिन अगर अभी मैं उसकी बात करूँ जब मेरे को, अरे क्या कर रहा है, अरे 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 हाँ, जब मेरे को नॉर्मली वो करना होगा ना, मतलब दोपहर के टाइम जब मैं मुँह धोता हूँ तो उसमें पानी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी पसीना और थोड़ा मुँह पे पासी हो जाता है ना, ऑयलिंग हो जाती है, तो उसके लिए मेरे को फेस वॉश तो ज़रूरी था ही, वही लेना था, बहुत दिनों से दिमाग में था, दिमाग से निकल जाता था। अच्छा आज मैं ना एक बहुत बढ़िया चीज़ करने वाला हूँ घर जाके, मैं भी आज जाके अपने टू डू लिस्ट में भी लिख लूँगा उसको, मैं एक चार्ट बनाऊँगा, बिकॉज एज यू नो कि ये जो होल जंग है मैं सोच रहा हूँ अभी डलवा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा लेट तो हुआ नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक अपने टू डू लिस्ट में भी लिख लूँगा, जो हमारी ना एक जंग चल रही है, मतलब मेरी जंग चल रही है मेरी अपने आप से, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी करने को सोचता हूँ या करता हूँ ये सबकॉन्शियस माइंड आ जाता है और वो बोल भाई कुछ ना कुछ कांड कर देता है, मतलब कांड इन द सेंस कि वो भाई मतलब मना करवा देता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपको हमेशा उस जोन में रखेगा जहाँ पे आपको काम करोगे। ये देखो भाई पेट्रोल तो भाई साहब इतना महंगा बिक रहा है आज की डेट में, इतना महंगा, महंगाई मेरे को पेट्रोल में ही नज़र आती है खाली, देख रहे हो 0 दिखा देते हैं भैया, उसके बाद अरे बंदे देख रहे हैं ऐसे घूरते रहते हैं, अपने काम से काम रखे भाई, मेरे को बस ये देखना मेरा एंगल ठीक है ना, हाँ सही है यार, ये कार्ड से पेमेंट करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं हमारा भाई, तुम तो वेले हो भाई, हमें तो टाइम है काम है, वैसे वेला तो कौन ही है आज की डेट में, हमें को हवा भी भरवानी थी, अब यहाँ से तो नहीं बाद में भरवाऊँगा हवा, आते टाइम कभी वहीं से भरवा लूँगा, अभी भी ठीक ही है, इतना ज़्यादा लेट हुआ नहीं हूँ सच बताऊँ तो, पर ठीक है अच्छा है। और बताइए कैसे हैं आप, धन्य हो भाई तुम्हारे, मारूँगा इतना ना पता चल जाएगा,
बेवकूफ आदमी है, ड्राइवर भी बेवकूफ है एक नंबर का। गेट खोल दिया रेड लाइट पे यार, बस स्टैंड है यहाँ पे, पागल सा। हे भगवान, इन लोगों को थोड़ी सी बुद्धि देता है ना इंसान। अच्छा मैं ना इसी की अभी रिसेंटली ना मैंने अभी ये पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है क्रिएटर की मैंने एक वीडियो देखी थी, एंड ही टोल्ड ऑन दैट वीडियो, एक मतलब एक वर्ड होता है मैं भूल रहा हूँ, आई से स्टार्ट होता है, इन समथिंग करके है, और उसमें ना ये चीज बोली है, एक छोटी छोटी सिली मिस्टेक करते हैं लोग, और इवन हम खुद भी इतने छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो पूरा का पूरा जो ये होता है ना, इसकी छोटी मिस्टेक की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और उसका मतलब कोई उसने एक्सप्लेन इस वे में करा था कि भाई एक्सीडेंट मतलब उसका ना हो गया था, मतलब एक्सीडेंट होके गिर गया था वो, ऐसा कुछ था, तो उसने पूरी पूरी डिटेलिंग में बताई थी, वो बहुत मतलब लाइक यूजफुल थी वीडियो। तो उस दिन मैंने मतलब उस वीडियो को देखने याद, आई ऑल्सो रियलाइज कि भाई अपने को भी ना ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। मेरे को एक बार के लिए ना अभी सच बताऊं तो ऐसा भी लगता है कि अब बिना गोप्रो के भी काम चल सकता है, बट अगर मैंने अब गोप्रो नहीं लिया ना तो उसमें मेरी हार हो जाएगी और मेरे सबकॉन्शियस की जीत हो जाएगी, सो मैं वो नहीं चाहता। आई नेवर वॉन्ट टू लूज अगेंस्ट माई सबकॉन्शियस माइंड। देखो ये देखो, देख रहे हो बस वाले का हाथ, उसने ये हाथ दे दिया इतनी बड़ी बस में। अब मेरे को सच्ची एक बार बताना, इतनी बड़ी बस में अगर आपने नोटिस करा होगा नहीं करा, उसमें आप वो दे सकते हो जो इंडिकेशन होता है साइड पे जाना है लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपना हल्का सा ना हाथ बाहर निकाल देते हैं। अब आप उसकी पूरी बस में इतना हाथ देखो, अगर कोई और बंदा देखेगा तो चलो हमें तो आदत है, हमें पता है, नोटिस कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी जिस बंदे ने अभी ऐसे नोटिस ना करा ये ऐसे साइड में लेता जाए तो उसको तो कितनी प्रॉब्लम होगी। वो सोच रहा है, उसको थोड़ी पता है कि भाई ये लेफ्ट ले रहा है राइट ले रहा है, इसने ना इंडिकेटर दिया। बड़ी समस्या है भाई इस दुनिया में ऐसे लोगों के साथ। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को वैसे, अच्छा मतलब ऐसे वाले ये सब वो उसकी वजह नहीं, अच्छा इन द सेंस लग रहा है क्योंकि आज मतलब बड़े टाइम बाद मोटर ब्लॉगिंग हो रही है ना, मतलब मोटर ब्लॉगिंग वर्ड को हम अब से हटा देंगे, अब से हम वर्ड इन मोटर ब्लॉग यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मतलब यार मतलब देखो हमारा चैनल मतलब मोटो ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, हमारा ब्लॉग चैनल है कि लाइफस्टाइल ब्लॉग्स है। अब उसमें अब ये मेरे लाइफ का ही पार्ट है, ठीक है, इसीलिए हम इसको करते हैं। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि वो ना सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, वो ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग, कैमरा मतलब जब हेलमेट से स्टार्ट हुआ हेलमेट पे ही खत्म हो गया। सो हमारा ये नहीं है, दैट इज द रीजन आपसे मैं मोटो ब्लॉग वर्ड यूज नहीं करूंगा। टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखा ही नहीं, हाँ पहुँच गया, टाइम बहुत है। ओके सो अब मेरे को बताओ कैसा है सबका हाल चाल, अगर बढ़िया है तो बोलो तारा रारा, और अगर ओके है तो बोलो निकल जाए यहाँ से। अच्छा तो भाई लोग आज हमने जाना है, देखो लिस्ट ऑफ वर्क आज ना बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा वाले सारे हैं, बहुत सारे, एंड ऊपर से एक और थोड़ा काम मिल गया जैसे तुम्हें मैंने शायद लास्ट टू पता नहीं कभी 3-4 दिन पहले वाले ब्लॉग में मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, प्रेजेंटेशन एक लाइक तो इस तरह से प्रेजेंटेशन हमें बना के प्रेजेंट करनी थी, सो मैंने वो उस दिन वाली हो गई थी अच्छे से। सो कल हमें दोबारा एक वर्क मिल गया है प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने का, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन अभी उससे पहले हमें जाना है बहुत सारा जो काम निपटाने। आज मैं पहले अभी यहाँ से घर नहीं जाऊँगा, आज पहले मैं जाऊँगा नेहरू प्लेस, चीज़ें हैं जैसे वो जूते भी लेने थे तो 2 जोड़ी जूते लूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, एक फॉर्मल्स में लूँगा, कलर देखना पड़ेगा अगर मेरे को मिल गया, क्योंकि ब्लैक में नहीं लेना, ब्लैक मेरे पास ऑलरेडी 2-2 है, ब्राउन मेरे को नहीं लेना जो मेरे पास एक है, एक मैं लूँगा चॉकलेटी वाले लोफर लूँगा वो तो मैं, और रही बात अरे आराम से भाई, और रही बात दूसरे उसकी दूसरा मैं कलर देखूँगा, अगर कोई अच्छा पसंद आया तो लूँगा नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि लोफर्स तो मैं लूँगा चॉकलेटी। और बस ये बस वाला किसका इंतजार कर रहा है, बस स्टैंड तो आ गया यार, मिटा दे से चले एक पांव के सरे, फिर बताओ यार ये अभी थूक जाता मेरे से एक गधे का बच्चा, अब वो उसे आगे वाले ने अचानक से मोड़ लिया यार भाई, तो मैंने अचानक से भाई देख लिया, ध्यान दे दिया, मैंने ब्रेक मार दिया यार, अभी ये ठुकाई हो जाती है, और पीछे वाले गाड़ी वाला भी मेरे से ठुकने वाला था। तो भाई गाड़ी में बस में जो एक इंडिकेटर नाम का होता है ना, इंडिकेटर लेफ्ट जाना है राइट जाना है, इंडिकेटर जो होता है वो काम के लिए होता है, उसको यूज़ करो ठीक है, नहीं लेकिन मानना नहीं उनको। तो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई डायरेक्टली आपको नेहरू प्लेस में मिलता हूँ।
ओके, सो ये मेरी वायर आ गई है, ये वाली इसको लगानी है, ये वाला जो साइड है ये लगेगा लैपटॉप में, और ये वाला जो साइड है ये लगेगा मेरे ग्राफिक्स कार्ड में, अगर क्लोजली देखे तो। ठीक है, ये ग्राफिक कार्ड में पीछे की साइड लगेगा यहाँ पे, जिससे मेरे ड्यूल पीसी हो जाएगा। साथ में मैं अपने जूते भी ले आया, बेल्ट वेल्ट भी ले आया, तो ये जूते ले आया मैं। अब तुम लोगों को पता ये वाले कितने के होंगे, बट ये मेरे को अच्छे लग रहे थे, अच्छे लग रहे हैं ना। सो ये मैंने अपने जिम के लिए आया, क्योंकि जिम में मेरे पहनने के लिए जूते टोटली एक ही है, और फॉर्मल्स में मैं ये ले आया। मेरे पास ऑलमोस्ट अब फॉर्मल्स 4-5 फॉर्मल्स हो गए हैं, तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। वैसे मैं दोनों फॉर्मल्स ही लेके आने वाला था, बाकी एक बेल्ट ले आया, ये बेल्ट थोड़ी अच्छी वाली बेल्ट है, ठीक है, ये बेल्ट भी ले आया, बस हो गया। बाकी यहाँ मेरे कपड़े सारे पड़े हुए हैं, सुबह मैं रख के जो चला गया था, प्रेस करूंगा बाद में, पहले उससे पहले अपना सारा काम निपटाना है। पहले इस वायर को भी चेक करना है, कहाँ चली गई वायर, ये रही, इस वाली वायर को भी चेक करना, उससे पहले मैं खाना खाऊंगा, खाना खा के मिलता हूँ। देखो अभी ना 9 बज गए हैं, मेरा आज का ये व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ। दो चीज़ें हमारी बच गई थी जो आज हमें करनी है, बाकी सब मैंने कर लिए जो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लिखा हुआ था, बाकी सब हो गया है। दो चीज़ें बच गई है, वो मैं इसको कल करूँगा, क्योंकि आज वैसे भी हमारा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आज हमने कर ली है। और अभी देखो मैं देखो ना मैं अपना ना अभी प्रेजेंटेशन बना रहा था, ये देखो देख रहे हो, आज का अपना अभी का अपना ना टॉपिक है देखो, अवॉइडेबल मैरिज। तो हिंदू एक्ट में एक अवॉइडेबल मैरिज करके एक सब्जेक्ट होता है, मतलब एक टॉपिक है जिसमें मैरिज कब अवॉइडेबल हो जाती है, मतलब कल कब उस मैरिज को मैरिज नहीं मानते हैं, किस किस सिनेरियो में ऐसा होता है। सो वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, लेकिन हाँ यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन करा है। और अभी जस्ट मेरी सिर्फ 4 स्लाइड बनी है, लगभग मेरे को 20 स्लाइड तक मैं कोशिश करूँगा कि बने, क्योंकि पूरी इन डेप्थ तक मैं सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, एज यू नो मैं सारी चीज़ें डिटेल में सब कुछ बताता हूँ। सो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और मस्ती करते हैं, कुछ और मज़ा करते हुए। टिल देन बाय, सी यू, टाटा, लव यू। ये सारे कपड़े मेरे को प्रेस करने, और हाँ मैं तो प्रेस कर लूँगा, लेकिन आप खुशियाँ बांटते रहना। एक सेकेंड, मेरे को लग रहा है ये टेढ़ा लगा हुआ है थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा गलत हो गया है, मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है।